चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो कल हमने एडमिशन के दो क्वेश्चंस देखे थे, फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा था। एक मतलब नया कॉन्सेप्ट तो नहीं खैर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज थी, है वो काफी छोटी सी। होपफुली इतना वो टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक नॉर्मल एडमिशन के टेस्ट क्वेश्चन की तरह नहीं है, ठीक है। उसमें रेगुलर जो आपके नॉर्मल एडमिशन वाले कॉन्सेप्ट है उसमें वो टेस्ट नहीं, और एक छोटी सी एक डिफरेंट सी चीज थी वो। इसमें हम फर्दर आज उसको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको वो बताऊंगी, फिर उसके बाद हम रिटायरमेंट इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, पहले तो ये बताएं, M15 और M16 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन और कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गए? मैंने आप लोगों को होमवर्क का कहा था इसका, ठीक है। तो M16 भी आपका हो गया होगा और M15 भी, ये तो खैर परसों का आपका होमवर्क था, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, M15 के मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फुटिंग बता दी थी, कितनी क्या है आंसर उसका M15 का। M15 में आपके पास जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स आ रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस जो कि बैलेंसिंग फिगर है, P का आना चाहिए 1073600, Q का आना चाहिए 582400 और R का आना चाहिए 240000। यही आ रहा है सबका, 240000, ठीक है, ये आपका हो गया। और आपका जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें टोटल एसेट्स आने चाहिए 2096000 और टोटल इक्विटी और टोटल लाइबिलिटी जो है वो आपकी 2096000 यही आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी का ये मैच नहीं कर रहा तो वो हम क्लास के बाद फिर वो मेरे से डिस्कस कर लें, वरना आई थिंक इट वाज अ फेयरली इजी आपका क्वेश्चन था। सिर्फ उसमें गुडविल नॉट टू बी रिटन ऑफ है, तो उसकी सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी, रीवैल्यूएशन का थोड़ा डिफरेंस था, वो मैंने आपको कल क्लास में बता दिया था। फिर मैंने आपको ये कहा था कि आपने M9 जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। M9 का मैंने आपको कैपिटल अकाउंट जो है वो हमने बना लिया था, राइट, कैपिटल अकाउंट हमने बना लिए थे ना कल, कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया था शायद, बिल्कुल बना लिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने बैलेंस शीट बना ली उसकी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 1997 का, उसमें जो फुटिंग है वो आपकी आनी चाहिए 272000। अच्छा ये जो है ये 1 जनवरी 1990, हाँ 1998 है, ठीक है। तो 272000 आपके पास आंसर आएगा। अच्छा ये जो M9 है, बस थोड़ा सा हम इसको फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। ये जो M9 है इसके अंदर सिचुएशन क्या थी, इसमें हमारे पास दो तीन चीजें थी। नंबर वन ये था कि हमारे पास 30000 डिफरेंट है एसेट्स में। अच्छा चले नसीर, फिर क्लास के बाद ना फिर मैं डी का शेयर क्या होगा लॉस के अंदर, रिवैल्यूएशन लॉस में डी का कोई शेयर नहीं होगा, न्यू पार्टनर का रिवैल्यूएशन गेन या लॉस में कोई शेयर नहीं होता। जो हम लोग रिवैल्यूएशन गेन या लॉस हम करते हैं वो हमेशा ओल्ड पीएसआर में करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। हाँ बच्चे प्रॉफिट में तो है, अब प्रॉफिट में देखो दो चीजें हो रही हैं इसमें, इस सवाल के अंदर दो चीजें हो रही हैं। एक हो रहा है January 1, 1997 को, एक हो रही है आपकी एडमिशन, आपको एडमिशन के एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने, और फिर क्या हो रहा है, फिर पूरा साल भी गुजर रहा है, फिर वो पूरा साल गुजर रहा है और आपका प्रॉफिट हो रहा है। जाहिर सी बात है ये जो 1,20,000 ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और इस टाइम में इस पूरे साल में आपके पास चार पार्टनर्स थे ABCD, तो शेयर और प्रॉफिट में तो डी का भी हिस्सा होगा, नेचुरली सी बात है। लेकिन एडमिशन के दिन 1 जनवरी 90, समझ आ गई, 1 जनवरी 1997 को एडमिशन के दिन जो आपने डबल एंट्रीज पास करनी है, ये जो हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्ट्रक्चर। अगर चेंज इन स्ट्रक्चर ना होता तो ना हम रिवैल्यूएशन कुछ करते हैं ना, हमने कुछ बेसिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, रिवैल्यूएशन गेन लॉस गुडविल ये सारी चीजें हमारा कब आ रही है, जैसे ही हमारा कोई चेंज इन स्ट्रक्चर हो रहा है। तो चेंज इन स्ट्रक्चर की भी एडजस्टमेंट्स हैं, और ड्यूरिंग द ईयर जो आपने ड्रॉइंग्स की हैं, जो आपके पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाया उसकी भी एडजस्टमेंट है, तो दोनों चीजों का एक फ्यूजन है, बेसिक अकाउंटिंग का भी और आपका एडवांस का भी, ठीक है। अच्छा तो इसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि आपके पास
अगर कोई एक पार्टनर सेक्रिफाइस करता है तो हमने ये चीज देखी थी कि फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सिर्फ उस ही पार्टनर का इफेक्ट आएगा, राइट? जो पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि कुछ गिव अप नहीं कर रहे, ठीक है, कोई अपना शेयर नहीं दे रहे नए पार्टनर को, उनका रेशियो आपने एज इट इज उठा के नए पीएसआर के कॉलम में लिख देना है। नंबर टू, इसमें हमने ये देखा कि जो पार्टनर गिव अप कर रहा था, जाहिर सी बात है उसी उसी को फिर पैसे चाहिए, वो शेयर एक गिव अप कर रहा है तो उसको जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा कॉम्पनसेट भी तो करेंगे। यहाँ पे सवाल में हमने इस तरह की वर्डिंग पढ़ी थी कि ये जो उसको 40,000 रुपए पे किए जा रहे हैं, जो कि किस मद में, गुडविल की मद में, वो उसको दिए जा रहे हैं प्राइवेटली, राइट? अलग से उसको डी जाके उसको पैसे दे आया, यानी कि उस केस में फर्म की बुक्स इन्वॉल्व नहीं है। वर्डिंग्स की वजह से हमने ये किया, वरना मैं आपको भी बताती हूँ आंसर आपका दोनों तरीकों से सेम आएगा। अब मैंने यहाँ पे एक और यही यही वाला मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस क्या कर दिया इन इसकी वर्डिंग का, जो मैंने आपको कल लिखवाया था ना इसी बोर्ड पे लिखा था दो सिनेरियोस। अब मैंने क्या लिखा, ए विड्रू ₹30,000 आउट ऑफ दिस, ऊपर क्या लिखा हुआ था, ए रिटेन्ड ₹30,000 आउट ऑफ दिस एंड पुट द बैलेंस ऑफ 10,000 इन द फर्म एज एडिशनल कैपिटल। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए विड्रू ₹30,000 आउट ऑफ दिस एंड रिटेन्ड द बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन द फर्म। तो इस सेंटेंस को पढ़ते हुए अब ये लग रहा है कि अब ये जो आपके पास 40,000 रुपए आए हैं ना, जो ए को मिले हैं, वो मिले हैं थ्रू फर्म की बुक्स, थ्रू फर्म, मतलब फर्म का अब उसमें हमने थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट देखना है, बाकी सारी चीजें डिटो वैसी हैं। अब आपको अगर थोड़ी कंफ्यूजन हो, बिल्कुल प्राइवेटली नहीं हुआ, अब देखिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो ना इस तरीके से, आप दोनों में से, अभी जो मैं आपको डबल एंट्रीज करवा रही हूँ, आप दोनों में से जो कल हमने देखी थी या अभी जो हम कर रहे हैं, दोनों में से कोई डबल एंट्री आप फॉलो कर लो, कोई भी मेथड फॉलो कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। एग्जैक्टली आपका जो कैरेट डाउन है कैपिटल अकाउंट्स का और जो कैश का बैलेंस है, रिवाइज जो बैलेंस है, वो उसका कैरेट डाउन दोनों टी अकाउंट्स के एग्जैक्टली सेम आएंगे, M9A के और इस वाले पिछले वाले सवाल के, ठीक है? तो इसको जरा करते हैं, मैं सिर्फ जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, सिर्फ इसका मैं डबल एंट्रीज करूंगी, बाकी जो रिवैल्यूएशन है वो आपको पता है वो तो आसान ही है, वो तो एग्जैक्टली सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टेप नंबर वन में, ठीक है, तो स्टेप नंबर वन में मैं दोबारा से यहाँ पे न्यू पीएसआर देख लेते हैं, ठीक है? हमारे पास ओल्ड पीएसआर था, ए बी सी और डी, ठीक है, और हमारे पास ओल्ड पीएसआर क्या है, 642। फिर हमारे पास न्यू पीएसआर क्या था, ये हम लिख देते हैं 6/12, 6/12। मुझे आप लोग जरा न्यू पीएसआर बता दीजिएगा। वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, वन बाय सिक्स, वन बाय सिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास सिचुएशन है, ये हमने कल देख लिया था, इसमें किसी को आई होप प्रॉब्लम नहीं है हो कि हमने कैसे न्यू पीएसआर कैलकुलेट किया, ठीक है? फिर हमारे पास जो स्टेप नंबर टू है, अब हमने कल क्या क्या था, हमने कल ये कहा था कि क्योंकि ये सारा हमें प्राइवेट ट्रांजैक्शन होती हुई नजर आ रही है, इसलिए हम गुडविल को ऑल टुगेदर यहाँ पे एलिमिनेट ही कर दें। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, वर्डिंग्स पढ़ते हुए हमें ये लग रहा है कि आपका जो डी है उसने 40,000 रुपए दिए तो हैं मिस्टर ए को, और वो इस आगे के सेंटेंस को पढ़ते हुए लग रहा है कि अब उसमें फर्म की बुक्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक एक करके हम हर ट्रांजैक्शन को अब हमने रिकॉर्ड करना है फर्म की बुक्स में। तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 40,000 रुपए का कैश आ रहा है, ठीक है? कैश हमारे पास, कैश या बैंक, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक ही है, राइट?
स्लैश बैंक, ये हमने डेबिट करना है कितने से, 40,000 रुपीज से। और क्रेडिट किसको करेंगे, ये पैसा किसकी इंटाइटलमेंट है, पैसा ये किसकी इंटाइटलमेंट है, किसका हक है उसके ऊपर, मिस्टर ए का। हमने उस उनको उनका हक जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये पैसे ला मिस्टर सी रहे हैं, बिल्कुल मिस्टर डी रहे हैं, लेकिन ये पैसे की इंटाइटलमेंट किसकी है, मिस्टर ए की। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैश डेबिट करके हमने कैपिटल अकाउंट कर दिया क्रेडिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सॉरी कैश डेबिट करके, नहीं रुक जाए रुक जाए, अभी नहीं, ये यहाँ पे हम उसके इंटाइटलमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले आप गुडविल क्रिएट करें, उसके बाद हम इंटाइटलमेंट देंगे। यहाँ पे देखें, कैश आपने डेबिट किया 40,000, और आपने क्या क्रिएट कर देना है, यहाँ पे गुडविल को क्रिएट कर देना है। अगली डबल एंट्री करेंगे ये चीज समझ में आ जाएगी। देखें यहाँ पे होता क्या है, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ ना मेंशन दो, तो हम क्या कहते हैं कि गुडविल को बुक्स में रखना ही नहीं है, राइट। असल में होता क्या है, हम पहले स्टेप पे क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमें गुडविल को बुक्स बुक्स में लेकर आना है, पहले गुडविल को रेज करना है, इसको आप एक काम करें बाद में हम देखते हैं। हमने पहले ये चीज डिसाइड कर ली कि गुडविल को हमने बुक्स में लेकर आना है, तो स्टेप नंबर वन में हम क्या करते हैं, गुडविल को रेज करते हैं। कितने गुडविल को हम रेज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जो डी लेकर आ रहे हैं, 40,000 टोटल गुडविल नहीं, सिर्फ उनका शेयर, ठीक है। ये क्या है, ये मैं आपको सबसे आखिर में इंशाल्लाह सारी चीजें जब हम कर लेंगे ना, मतलब रिटायरमेंट के बाद, रिजोल्यूशन और उससे पहले, अमलगमेशन से पहले, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी गुडविल को किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के थ्रू। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, हो सकता है मैं ना कराऊं, हो सकता है मैं कराऊं, डिपेंडिंग ऑन के कितना हमारे पास टाइम है और क्या हम इस चीज को टाइम के बेसिस, मतलब टाइमली बेसिस पे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। नहीं भी उसको करेंगे, अकाउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिन्होंने मेरे से इंट्रो की क्लास ली हुई है, रेगुलर या ऑनलाइन, उनको ये बात पता होगी कि हमने, मैंने उनको ये प्रूफ करके दिखाया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो से करें या नॉर्मल तरीके से करें गुडविल की रिकॉर्डिंग, तो आपका आंसर अल्टीमेटली सेम आता है, ठीक है। पहले स्टेप पे हमें क्या करना है, गुडविल को रेज करना है। तो हमने क्या कर दिया, गुडविल को डेबिट किया 40,000। अब क्रेडिट किसको करेंगे, अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली गुडविल को रेज करते हैं, डबल एंट्री क्या पास करते हैं, गुडविल डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट करते हैं ओल्ड पीएसआर में। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि सारे पार्टनर्स अपने रेशियोज, अपना शेयर सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, मिस्टर ए, ठीक है। तो उसका बेनिफिट जो गुडविल लाई जा रही है, उसका बेनिफिट भी किसको मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए को। बात समझ आ रही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने आके कैपिटल अकाउंट मिस्टर ए का हमने क्रेडिट कर देना है 40,000 से। ये बात याद रखें कि ये जो 40,000 है, दिस इज नॉट द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, दिस इज व्हाट, है ना, ये वो अमाउंट है जो कि मिस्टर डी लेकर आ रहे हैं एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है। मैंने भी इसको शॉर्ट शॉर्टकट से मैं इसको कर रही हूं, मैं पूरी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट नहीं कर रही। मैंने यहाँ पे क्या किया, गुडविल को मैंने रेज किया, लेकिन रेज किससे किया, सिर्फ 40,000 से, मुझे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या किया, और मैंने ये कहा कि इसका बेनिफिट जो है वो किसको जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए को। क्यों, क्योंकि मिस्टर ए ही सिर्फ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तो मैंने क्या कर दिया, उनको कह दिया कि ये जो 40,000 है ये फर्म के बुक्स में आ रहा है, और ये किसकी एंटाइटलमेंट है, ये किसका इसको बेनिफिट मिलेगा, मिस्टर ए को। इज दैट क्लियर। सेकेंड स्टेप पे मुझे क्या करना है, गुडविल को करना है राइट ऑफ, ठीक है। अब गुडविल को मैं करूंगी राइट ऑफ। अब मैंने उसको राइट ऑफ कैसे करना है, पहली चीज तो ये, गुडविल को मैंने कर देना है क्रेडिट, ये बात तो सबको क्लियर है, ठीक है। गुडविल को मैंने कर देना है क्रेडिट 40,000 से ही। अब क्या मैं दोबारा कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगी 40,000 से, वो तो फिर सेम चीज हो जाएगी ना, कि आपने वही डबल एंट्री पास की और उसी को फिर आपने रिवर्स कर दिया, क्या बात हुई। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उसको कैंसिल करना है थ्रू कैश या बैंक, ठीक है। आपने क्या कहना है कि
कि पहले स्टेप पे आपने अभी तक आपके पास पैसा नहीं आया, आपके पास 40,000 रुपए नहीं आए थे. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर डी को बस हमने ये बता दिया था कि आपका शेयर ऑफ गुडविल इतना है और आपने उसको लेकर आना है, और आपने मिस्टर ए को हमने देना है ये पूरा का पूरा. तो हमने डबल एंट्री क्या पास कर दी, गुडविल को हमने रेस किया और कैपिटल अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट 40,000 से. फिर जब हम उसको राइट ऑफ करेंगे तो आप देखिए इस सिनेरियो में मुझे खुद जरा सोच के बताएं कि अगर आप गुडविल को डेबिट करते हैं 40,000 से, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं मिस्टर ए का 40,000 से, और फिर उसको राइट ऑफ करने के लिए यही वाली डबल एंट्री रिवर्स कर देते हैं, तो आपके पास कोई फायदा नहीं है ना, या तो आप डबल एंट्री पास ही ना करो, राइट? तो अब इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, आपने गुडविल को तो करना है क्रेडिट, लेकिन अब आपने डेबिट क्या कर देना है, जो वो कैश मिस्टर सी लेकर आ रहे हैं, कैश या बैंक को आप कर देंगे डेबिट इन एवरी केस. ठीक है, हर सिनेरियो में जो इस तरह का होगा जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टनर से वो कोई नया जो पार्टनर है वो अपना शेयर खरीद रहा होगा, आपने डबल एंट्रीज ये पास करनी है. मैं जनरल डबल एंट्रीज भी एंड में इंशाल्लाह जो मैं आपको समरी शीट दूंगी उसके अंदर मैं ये चीज डाल दूंगी. ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने कैश या बैंक को डेबिट किया और गुडविल को क्रेडिट किया. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो हम कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर रहे होते थे न्यू पीएसआर में, तो याद रखने के लिए इस चीज को दिमाग में बिठाएं कि यहाँ पे जो स्टेप नंबर टू में हम गुडविल का काम कर रहे हैं, नंबर वन इसमें हम वैसे ही टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ही नहीं ले रहे, ये एक डिफरेंट ही सिनेरियो सा आ गया, राइट? इसमें हम किस फिगर को उठाया हुआ हमने, सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ मिस्टर डी, तो इसको थोड़ा सा आप डिफरेंट ही ट्रीट कर रहे हैं. दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डूइंग सो फार. ठीक है, आपने क्या कर दिया, गुडविल को कर दिया राइट ऑफ, ये आपका काम खत्म हो गया गुडविल का. ठीक है, अच्छा अब आपके पास स्टेप नंबर थ्री पे क्या आता है, स्टेप नंबर थ्री पे आपके पास रीवैल्यूएशन है. अब रीवैल्यूएशन वैसे ही करनी है जिसमें हमने कल किया था. पहले मुझे सब ओके कर दें, बात समझ आ रही है? अरसलान, हमीदुल्ला, हसनैन, जवाद, नसीर, उसामा, सरमद, क्लेरा. सरमद आप रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग ले देख रहे हो मतलब रेगुलरली? सरमत नहीं है अभी हमारे साथ. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ये वाला स्टेप मैं दोबारा नहीं कर रही, ये कल हम कर चुके थे. स्टेप नंबर फोर इसमें कोई नहीं था. फिर हम आते हैं स्टेप नंबर फाइव में. स्टेप नंबर फाइव में था कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, राइट? कैपिटल हो गई, आपका ड्रॉइंग्स वगैरह हो गया. अब इस पोर्शन से रिलेटेड हमारे पास क्या एडिशनल चीज है, 40,000 की तो हमने डबल एंट्री पास कर दी. अब आगे वो कह रहा है कि ए ने क्या किया, देखिए ये जो कैश आ रहा है, जो इसके इंटाइटलमेंट मिल रही है 40,000 की मिस्टर ए को, उसमें से उन्होंने 30,000 विड्रॉ कर लिए और जो बचे ना 10,000 रुपए उसको रहने दिया, रिटेन रखा. तो हम इसको जब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली जो हमने डबल एंट्री पास की है 40,000 की, हमने मिस्टर ए को कहा आपके पास आपका अब ये हक बन गया है, आप इस पूरी की पूरी फिगर को विड्रॉ कर सकते हैं. मिस्टर ए ने कहा कि मैं पूरी फिगर विड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ कितनी विड्रॉ कर रहा हूँ, 30,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा हूँ. तो ड्रॉइंग के केस में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट किसका, मिस्टर ए का, राइट? हम डेबिट करेंगे 30,000 से और क्या क्रेडिट कर देंगे, कैश या बैंक. क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से. ठीक है, ये आपका काम हो गया. तो अल्टीमेटली आपके पास जो कैपिटल अकाउंट में पैसे बच रहे हैं पीछे, वो ऑटोमेटिकली कितने बच रहे हैं, आपने क्रेडिट किया था 40,000, डेबिट कर दिया 30,000, तो आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है पीछे, मतलब इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 10,000 क्रेडिट साइड पे बच रहे हैं. और वो यही बात कर रहे हैं कि 40,000 में से 30,000 निकाल लिए तो पीछे बचे कितने, 10,000 रुपए इन द फर्म. ठीक है, फिर हम वही, इसकी तो वही डबल एंट्री है जो हमने कल की थी. डी ऑल्सो ब्रॉट ₹25,000 कैपिटल इन द फर्म. तो अभी देखिए इसको फोकस किस तरह से बनाएं, फिगर वाइज आप देखेंगे भाई आपने क्या डबल एंट्रीज पास करनी. पहले हमने 40,000 वाली फिगर को उठाया, हमने उससे रिलेटेड डबल एंट्रीज पास कर दी. फिर हमने 30,000 को उठाया, उससे रिलेटेड डबल एंट्रीज पास कर दी. 10,000 को उठाया, देखा कि उसकी जरूरत है नहीं है, नहीं है जरूरत, वो ऑटोमेटिकली पीछे वही काम हो रहा है, राइट? और फिर आपके पास क्या है, 25,000 रुपए जो डी लेकर आ रहा है, ये हमने जो काम कल किया था एग्जैक्टली वैसे ही होगा, कैश या बैंक डेबिट होगा 25,000 से. और इसको हम ट्रीट करेंगे क्या, कि अब ये ऐसा पैसा है जो कि किसी एक स्पेसिफिक जो है वो पार्टनर को नहीं मिल रहा, ये फर्म को ही जा रहा है. तो हमने इसको इसके लिए क्या कर देना है, कैपिटल अकाउंट मिस्टर डी का क्रेडिट कर देना. ठीक है, ये मिस्टर डी का पैसा है.
ये मिस्टर डी का पैसा जो कि वो फर्म में ही लेकर आ रहे हैं और फर्म के पास ही जा रहा है, वो मिस्टर ए को नहीं पे कर रहे। बात समझ आ रही है सबको, क्लियर है बात? अब आप इन डबल एंट्री से इस सवाल को करेंगे तो आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है? चेक करना चाहें कर लें इसको चेक, पूरे क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करें। आपके पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी वही आएंगे जो M9 में आए थे, और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी एग्जैक्टली वही बनेगी, ठीक है? चलें आगे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नसीर, आपने मुझे क्लास के एंड पे याद कराना है, आपका जो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है उसको फिर हम कर लेंगे, ठीक है? चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एडमिशन के जितने भी हमारे मेजर कॉन्सेप्ट थे वो तो हमने कर लिए हैं, स्टार्ट करते हैं अपना रिटायरमेंट, ठीक है? रिटायरमेंट के लिए आप निकाल रहे हैं जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक है पुराना M20, और जिनके पास नहीं है वो यहां से देखें। ये जो ड्राइंग्स हैं ये, हाँ, इनको कह सकते हैं कि आप फर्दर 30,000 में ऐड कर दें, इस हिसाब से हमने इसको फर्दर ऐड करना है। ये जो आपके पास कहाँ गए, M9 राइट, ये जो आपके पास फिर ड्राइंग्स गिवन है ये मिस्टर ए की, इसके आगे मैं लिख देती हूँ ठीक है, दिस डज नॉट इंक्लूड ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीज 30,000 मेंशन्ड अबव, ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये अलग ड्रॉइंग्स हैं, यानी कि टोटल ड्रॉइंग्स जो मिस्टर ए की होंगी वो होंगी 60,000 रुपीज, ठीक है? क्लियर है? चलें जी आगे चलते हैं M20 पे। अच्छा, M20 आपको क्या कह रहा है, एल एम एंड एन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1 रिस्पेक्टिवली, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2013 वाज एज फॉलोज, और नीचे आपको उसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन दी हुई है। आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व भी नजर आ रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए, स्टेप नंबर 4 इसका मतलब है यहाँ पे एक्टिवेट होगा, ठीक है? आपने क्या करना है, इन एनी केस भले नीचे जो भी लिखा हो आपको समझ आ जानी चाहिए, पहले आपने रिजर्व को खत्म करके कहाँ उसका बैलेंस लेके जाना है, किसको क्रेडिट करना है, कैपिटल को, ठीक है? फिर आपके पास आता है ऑन 31 दिसंबर 2013, यानी कि जिस दिन पे आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाई, जैसे ही बनाई, जैसे ही आपका साल खत्म हुआ, एम क्या हो गए, एम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, अब ये क्या है, फॉरन से बेल रिंग करनी चाहिए, चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर, यानी कि अब क्या होगा, एडजस्टमेंट सारी की सारी किक इन होनी चाहिए, गुडविल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्युएशन, मतलब जैसे ही चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आए आपने यही कहना है कि अब इसका मतलब है आज के दिन, जिस दिन रिटायरमेंट हुई, जिस दिन एडमिशन हुआ, जिस दिन आगे जो हम सिनेरियोस पढ़ेंगे, जैसे ही वो चीजें फाइनल होंगी अकाउंटिंग में क्या हो जाएगी, हलचल मच जानी है, ठीक है? अब रिटायरमेंट में भी वही वाले स्टेप्स हमारे पास आएंगे जो हमने एडमिशन में पढ़ लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक डिफरेंस है। क्या है, अब वो बता रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने आपको क्या बता दिया, गुडविल ऑफ द फर्म पूरी बता दी कि भाई गुडविल ऑफ द टोटल गुडविल जो है वो है 98,000, ये टोटल गुडविल है। फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, ये क्या बता रहा है कि इसमें आपके पास डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन से, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन से एसेट की बुक वैल्यू कम होती है, राइट, रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे मेंशन तो किया हुआ है वर्ड डेप्रिसिएशन का, लेकिन मुझे जरा सोच के बताएं, 31 दिसंबर साल खत्म हो गया, उस साल की डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अब 31 दिसंबर को दोबारा से ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने उसको डाउनवर्ड रिवैल्यू करना है, डेप्रिशिएट करना है, बात समझ आ रही है, ठीक है? तो इन्होंने आपको बता दिया कि आपने 10% और 5% से उस उन, उन इन दोनों एसेट्स की वैल्यू को कम करना है। इन्वेंट्री एंड बिल्डिंग वर टू बी एप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएट करने का मतलब अगर कम करना है तो एप्रिशिएट करने का मतलब क्या है, इंक्रीज करना, ठीक है, 20% और 10% से।
तो यानी कि इन्वेंट्री और बिल्डिंग आज के दिन उनकी वैल्यू का आपने बढ़ा देना है, ये रिवैल्यूएशन गेन हो गया। देखो डेप्रिशिएटेड बाय, डेप्रिसिएटेड टू, बाय और टू का कल भी मैंने थोड़ा सा समझाया था। बाय और टू, एक काम करते हैं पहले ये सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं बाय और टू पर आती हूँ, ठीक है। बाय टू और एट, तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, डेप्रिसिएटेड बाय, टू और एट। टू और एट में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, देखते हैं उसको। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी इंक्रीज्ड 2 रुपीज 7,350। यहाँ पे बाय का टर्म इस्तेमाल है, यहाँ पे भी बाय है, और यहाँ पे क्या आ गया, टू आ गया, देखते हैं उसको। द रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अगर ये पॉइंट ना भी लिखा होता तो हमें पता था, स्टेप नंबर फोर कंपल्सरी है, राइट। ना भी लिखा हो तो तब भी हमें पता है कि आपने रिजर्व्स को सारे के सारे को क्या करना है, ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट्स में। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, गुड हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ड्यू टू एम, यानी कि जो एम का पैसा बनता है, इस बात समझ आ जाएगी अभी हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वाज टू बी ट्रांसफर टू अ सेपरेट लोन अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट। क्या मतलब है इसका, समझाते हैं, ये आखिर में समझ में आएगा इंशाल्लाह। और इंटरेस्ट भी कितना, 10% पर एनम, ठीक है। दिस इज नॉट पॉइंट नंबर 7, यूसी की कंटिन्यूएशन है। फिर रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ गुडविल फ्रॉम द बुक्स। ना मेंशन होता तब भी हम राइट ऑफ करते हैं, यानी कि गुडविल अगर खास उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना कि उसको रिटेन रखना है, तभी हम रिटेन करेंगे। या तो उन्होंने मेंशन किया होगा कि राइट ऑफ करना, या कुछ भी नहीं लिखा होगा, साइलेंट हो, तो हम उसमें भी क्या करते हैं, गुडविल को हमेशा राइट ऑफ ही करेंगे। होल्ड ऑन 1 सेकेंड, आपका क्या सवाल है, ठीक है। हाँ दैट इज अ गुड एक्सप्लेनेशन अरसलान, कि बाय का क्या मतलब है, बाय का मतलब है उतनी वो उतनी अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होना। टू का क्या मतलब है, दिस इज द अल्टीमेट अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट है। कैसे, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई फर्नीचर था, ठीक है, जिसकी मेरी मेरी बुक्स में बुक वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, 1 लाख रुपए, ठीक है। और उसकी मार्केट वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 120,000। अब यहां पे जरा गौर से देखें, जी हसनैन समझ आया, फर्नीचर इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय, बाय के बाद क्या चीज लिखी हुई है, कितनी अमाउंट से इंक्रीज करना है, 20,000 से इंक्रीज करना है। तो बाय का क्या मतलब होता है, उर्दू में इसको कहते हैं कि इतने से बढ़ा दो, बिल्कुल से और पर, राइट, से का है मतलब बाय। फिर दूसरे सिनेरियो में क्या है, वही चीज है, लेकिन अब उन्होंने पहले क्या लिख दिया, अप्रिशिएटेड टू, इतना। टू का क्या मतलब है, इतने पर लेकर आना है, इतने से बढ़ाना है और इतने पर लेकर आना, द डेस्टिनेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। और एट का भी यही मतलब है, टू वाला ही उसका सिनेरियो होता है एट, इट इज टू बी, मैं इसको लिख देती हूँ, फर्नीचर इज टू बी, इसको किस तरह से लिखेंगे, इज टू बी, सेम चीज एट और टू में, दोनों सिनेरियोज में आपके पास जो डेस्टिनेशन, जो वैल्यू होनी चाहिए वो लिखी हुई होगी, और बाय के केस में जितने से बढ़ाना या कम करना होगा ना, उतनी जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो लिखी हुई होगी, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अब प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे भी एक स्टेप है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज व्हाट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर आंसर, मतलब इट्स इट्स रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में है वो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स मांगे जा गए हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांगी गई है। अच्छा, इसमें एक चीज वर्थ मेंशनिंग है कि आप अपने सवाल को आंसर कैसे करेंगे, आप किस तरह से प्रेजेंटेशन आप लिखेंगे, कैसे किस तरह से अपने आंसर को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, करना क्या है, देखिए आपके पास ये तीन चीजें हैं जो आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट में है, ठीक है।
आपने क्वेश्चन का नंबर डाला और लिख दिया पार्ट ए। अब करना क्या है, आई होप इसी तरह से आप करते आ रहे होंगे इंट्रो वगैरह में भी, कि पहले आपने क्या बना देना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का टी अकाउंट खड़ा कर देना है, फॉर्मेट उसका बना देना है, टी बना देना है, लंबा सारा उसमें ढेर सारी लाइनें छोड़ देनी, क्योंकि आपको नहीं पता ना कितने उसमें आइटम्स आएंगे, आइडिया तो है लेकिन यू नॉट श्योर येट, राइट। और फिर आपने क्या करना है, अगले पेज से, या अगर उसके पेज के नीचे जगह छूटी हुई है, बची हुई है अच्छी खासी, तो आपने वहां से फिर आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। नॉर्मली बच्चे इस तरह से भी कर लेते हैं कि वो वर्किंग पहले कर लेते हैं और फिर फाइनल आंसर एंड में करते हैं, वो ठीक है, मतलब इट्स नॉट, मार्क्स नहीं कटते उसके ऐसे, लेकिन उससे वो इट्स नॉट प्रेफर्ड, इट्स नॉट अ प्रेफर्ड मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जिस तरह मैं भी क्लास में कभी कभार कर रही होती हूँ कि पहले वर्किंग कर ली उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट बनाया, तो दैट इज नॉट वेरी अप्रिशिएटेड। तो अब से हम क्या करेंगे कि अब से हम पहले ही पेज पे फॉर्मेट खड़ा कर देंगे, टी अकाउंट बना लिया करेंगे, और फिर हम स्टेप्स के ऊपर आएंगे। अब स्टेप्स जिस तरह मैं सवाल में कर रही होती हूँ, स्टेप नंबर वन लिखा, स्टेप नंबर टू लिखा, वो भी जरूरी नहीं है आपका, वो तो मेरा एक मेथड है, मैंने एक मेथड बना लिया, एक प्रोसेस बना लिया ताकि आसानी रहे। तो आप चाहें तो आप उस तरह से करें, स्टेप्स नंबर वन और स्टेप नंबर टू ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर करके आपको फिर डबल एंट्रीज भी पास कर करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता, आज आपके दिमाग में इंशाल्लाह ये फीड हो जाएगा कि अच्छा ये है तो इसमें डबल एंट्री ये होगी, सीधा डायरेक्टली उसको टी अकाउंट में पोस्ट कर दो, डबल एंट्रीज बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी हम अभी कर रहे हैं दैट इज फॉर योर ओन बेनिफिट, राइट, आसानी के लिए। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमने री इवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो हम पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया, री इवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम टी अकाउंट बना लेते हैं। चलो जी, हाँ जी, अब मेरे हाथ से इतना हमें हो जाना चाहिए कि हम बगैर डबल एंट्रीज पास किए रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लें, ठीक है, वर्किंग करें और बस वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें। प्रॉब्लम किसी को होगा मुझे बता दें, फिर मैं डबल एंट्रीज पास करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। पहले आइटम आपके पास क्या है, रिवैल्यूएशन का, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय व्हाट, 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। ये तो गुडविल का पार्ट है, राइट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम क्या करें, पहले हम वर्किंग थोड़ी सी कर लें। आपके पास फर्नीचर का जो कैरिंग अमाउंट है वो है 49,000, और फर्नीचर को आपको कितना डेप्रिशिएट करना है, 10%। वर्किंग बेहतर है दिखा दें, या एक काम करें, ये क्या है, डेप्रिसिएशन है, पता है कि रिवैल्यूएशन लॉस है, पता है कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्नीचर लिख दें, साथ ही नीचे ब्रैकेट में वर्किंग जरूर दिखाएं, ठीक है। इसी तरह से जरूरी नहीं है हर चीज लेबल्ड हो, 49,000 जो कि आपकी बुक वैल्यू है, उससे रिटायरमेंट से 1 मिनट पहले की बुक वैल्यू 49,000, और उसको आपने 10% से कम कर दिया, यानी कि 4,900, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी को भी आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, यानी के प्लांट एंड मशीनरी के केस में भी है जो है आपका रिवैल्यूएशन लॉस ही है, और रिवैल्यूएशन कितना से उसका लॉस आएगा, प्लांट एंड मशीनरी है 1,96,000, और उसका 5% से आपको कम करना है, राइट, 1,96,000 इंटू 5%। तो जब हम इसको करते हैं आपके पास आंसर आ जाता है 9,800, यानी अब देखें हुसैन इसमें क्या है, 9,800 से हमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम करना है। दिस इज नॉट द फाइनल अमाउंट, दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन अमाउंट, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी को आपने डेप्रिशिएट कर दिया, अब आपके पास एप्रिसिएशन है, आपने इन्वेंट्री को एप्रिशिएट करना है 20% से। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, 147,000, 147,000 का 20% हम लेंगे, और वो हमारे पास क्या आएगा, रिवैल्यूएशन गेन है 147,000 इनटू 20%। हमारे पास आ रहा है 29,400, और फिर आपके पास क्या है, आपने बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करना है 10% से, ये रहा, बिल्डिंग को आपने अप्रिशिएट करना है 10% से। तो बिल्डिंग आपके पास कितनी आ रही है, 294,000, तो आपने
ठीक है, ये आपके पास आ गए सारे रिवैल्यूएशन गेन्स। फिर देखते हैं और कुछ रहता है हमारे पास। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये हो गया, हाँ ये रहा। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू वाज टू बी इंक्रीज टू 7350। अब जरा बताएं हसनैन और जिनको इस बात में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, टू में और एट में 7350 आपकी वैल्यू है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की, और उससे पहले अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था? 4900 पर लेकर आना है। बिल्कुल ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब जरा मुझे बताएं रिवैल्यूएशन गेन या लॉस में क्या है? गेन है, लॉस है, और कितना अमाउंट है? इज टू बी रेज्ड टू 7350, पहले कितना था? 4900। जी हमीदुल्ला, जवाद, नसीर, अरसलान, जवाब दें, उसामा, पार्टिसिपेशन। हसनैन आप एक काम करो, अपना नोट करके लिख लो, फिर देखते हैं ठीक है या नहीं है। कोई और जवाब दे अभी। 2450 क्या है? ये गेन है, लॉस है? रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा ठीक है, सही कह रहे हैं जवाब, उसामा भी। 2450 का लॉस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, सही है हसनैन, आपका भी यही है। सेवन थ्री फाइव जीरो आपका क्या है? आपका नई वैल्यू है, और इंक्रीज इन ये क्या है? इंक्रीज इन अलाउंस या इंक्रीज इन प्रोविजन है 2450। और इंक्रीज का इफेक्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन या अलाउंस का इफेक्ट भी वही होता है जो कि लाइबिलिटी का होता है, यानी कि ये क्या है? हमारा रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हम ये लिख देंगे 7350 इज द न्यू वैल्यू एंड 4900 वॉज द ओल्ड वैल्यू, यानी के 2450 से आपका ये लॉस बुक हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं और कोई हमारे पास चीज है ऐसी डिवैल्यूएशन गेन या लॉस की। नहीं, और सारा खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने निकालना है इसकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, जल्दी से कैलकुलेट करें। हमारे पास नेट जो है वो रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है, कितने का? 41650 का। तो अब हमने क्या करना है, 41650 को, यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट साइड पे, राइट? डेबिट साइड हमारी कम है, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, और क्रेडिट साइड पे क्या आते हैं? सारे गेन्स आते हैं, यानी कि गेन्स हमारे पास ज्यादा हैं। तो हमने क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पीएसआर के अंदर एल, एम और एन को ये फिगर हमने एलोकेट कर देनी है, डेबिट करना है, डेबिट करेंगे नसीर। ठीक है, 41650 को अब हमने डिवाइड करना है। पुराना पीएसआर कितना था? अब देखिए इसमें रिटायरमेंट है, इसमें नया पार्टनर कोई नहीं है। कौन रिटायर कर रहा है? एम रिटायर कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि हमने इसका जो बेनिफिट है वो एम को भी तो देना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, वेरी गुड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पीएसआर को ही, वी विल स्टिक टू द थ्योरी ऑफ व्हाट, ओल्ड पीएसआर, भले वो एडमिशन का हो, भले वो रिटायरमेंट का हो। क्यों? क्योंकि जो रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है, इसको हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि इसमें किसकी मेहनत शामिल है, इसमें एल, एम और एन तीनों की मेहनत शामिल है, इसलिए बेनिफिट भी किसको मिलना चाहिए? तीनों को मिलना चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर समेत, राइट? तो हमने क्या करना है, 2:2:1 के रेशियो में उसको डिवाइड कर देंगे। 41650 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, 2/5, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलें जी, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट, और ये जो तीनों फिगर्स हैं ये आपकी बैलेंसिंग फिगर्स होंगी, और बैलेंसिंग के बाद आपने क्या करना है, इसको रेशियो में डिवाइड भी करना है। ठीक है हमीदुल्ला, क्लियर है ये बात, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये? ठीक है, ये काम हो गया, पार्ट ए हो गया आपका कंप्लीट। फिर हम अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी रिक्वायरमेंट का क्या मांग रहा है आपसे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। और आपको ये पता है कि आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए अब वो सारे स्टेप 1-5 करने पड़ेंगे। तो
तो पहले हम क्या कर देते हैं, पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। टी अकाउंट अपना बना लें, लाइनें छोड़ दें उसमें, और ठीक है ये काम सारा कर लिया। और यहाँ पे मैंने चलें, इसमें ये बड़ा मसला होता है। चलें ये हो गया। अब हमने क्या करना है, एक एक करके हमने सारी चीजों को, पहले सबसे पहले तो हमने ब्रॉड डाउन को देखना है। ब्रॉड डाउन कहाँ से आपको मिलेगा, ब्रॉड डाउन मिलेगा यहाँ से। कैपिटल है एल 196, 196 और 147। तो आपने क्या किया, आपने ब्रॉड डाउन को यहाँ पे सारा लिस्ट कर दिया। फिर अब हम, अभी हमें जरूरत पड़ती है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो की हमें जरूरत है, ठीक है। खैर न्यू पीएसआर की है जरूरत या नहीं, राइट ऑफ करना है, हाँ राइट ऑफ करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, स्टेप वन पे न्यू पीएसआर, ठीक है। हमारे पास ओल्ड पीएसआर कितना था, 2:2:1। अच्छा अब क्या सिनेरियो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एम साहब जो हैं वो तो कर रहे हैं रिटायर, है ना, वो अब आपके पास हो गए हैं रिटायर, वो तो उनका अभी न्यू पीएसआर के अंदर कोई शेयर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इन्होंने आपको सवाल के अंदर ये तो नहीं बताया हुआ कि अब न्यू पार्टनरशिप शेयरिंग, जो अब पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियोज हैं वो क्या है। तो अब हमने क्या करेंगे, हम लोग ये कर देंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने 2:2:1 लिखा, मैंने इसको फ्रैक्शंस में नहीं डाला अपनी आसानी के लिए। वैसे बेसिकली है क्या ये 2/5, 2/5 और 1/5। आपने करना क्या है, आपने जो इसका न्यूमरेटर है ना यानी कि 2, उसको एज इट इज कॉपी कर दिया यहाँ पे, यानी कि अब एल को भी कितने हिस्से मिलेंगे, 2 पार्ट मिलेंगे। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल प्रॉफिट है 5 रुपीज, तो उसमें से 2 रुपीज जाएंगे एल को, 2 रुपीज जाएंगे एम को और 1 रुपीज जाएगा एन को। इसको हम कहते हैं कि इसको पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे तो किसी भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के 2 पार्ट्स जाएंगे एल को, 2 पार्ट्स जाएंगे एम को और 1 पार्ट जाएगा एन को। तो अब न्यू पीएसआर के लिए भी हम यही कहेंगे कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसके 2 पार्ट्स जाएंगे एल को, 0 पार्ट्स जाएंगे एम को क्योंकि एम तो अब रिटायर हो गए हैं, और एन जो है इनके पास भी 1 पार्ट जाएगा, राइट। एन इज देयर सिस्टर, हाँ देखें इसीलिए देखो इन्होंने थोड़ा उसको हिस्सा दिया कह सकते हैं। तो अब जरा गौर से इसको देखें, आपके पास पहले क्या रेशियो था, पहले था 2/5, 2/5 और 1/5, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि अभी भी जो है वो 2/5 और 1/5 है, नहीं, आपको न्यूमरेटर का हमेशा जो पूरे फ्रैक्शन है उनका टोटल लेकर आना है 1। अब जरा मुझे बताएं टोटल कितना है इनका, 3 पार्ट्स हैं टोटल, राइट। तो अब जो मेरे पास रेशियो बनेगा वो बनेगा 2/3, नॉट 2/5 एंड 1/5। आपको हमेशा ऐसा करना है कि इन सारे फ्रैक्शंस का किसी भी कॉलम में सारे फ्रैक्शन का आंसर आए 1। तो अगर आप 2/5 और 1/5, 2/5 0 और 1/5 लिखते हैं तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज द पॉइंट टू कंसिडर। तो पहले आपका रेशियो था 2:2:1, अब है 2:1, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका हो गया न्यू पीएसआर। स्टेप नंबर 2 अब आपके पास क्या है कि अब आपने गुडविल की अकाउंटिंग करनी है। गुडविल ऑफ द फर्म आपको पूरी गिवन है, हो सकता है आराम से, बिल्कुल हो सकता है। पहले आपने गुडविल को रेज करना है, गुडविल को आपने डेबिट किया कितने से, 98,000 से। किसको क्रेडिट किया, कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया, एल एम
और एन किस रेशियो में? 2/5, 2/5 और 1/5। जल्दी से करें, 98,000। आपके पास आंसर आ गई है, ठीक है, बिल्कुल। 39,200, 39,200 और 19,600। और फिर आपको क्या करना है, सवाल में मेंशन है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे यानी कि एल और एन, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम गुडविल को राइट ऑफ करना चाह रहे हैं बुक से। तो अब आपको ये पता है, अब यहाँ पे आपके पास न्यू पीएसआर की इन्वॉल्वमेंट आएगी, जाएगा डेबिट होगा सिर्फ और सिर्फ एल और एन के अकाउंट्स, ठीक है, और आपके पास गुडविल पूरा का पूरा हो जाएगा क्रेडिट 98,000 से। चलें ठीक है, ये बात हो गया। स्टेप नंबर टू जो है हमारा गुडविल का, वो भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं स्टेप नंबर थ्री पे। स्टेप नंबर थ्री वाला काम हम ऑटोमेटिकली, जो रीवैल्यूएशन वाला है वो हम कर चुके हैं, हेडिंग ना डालें, ठीक है, कुछ भी ना करें। वो आपको आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपके पास रीवैल्यूएशन गेन हर पार्टनर का कितना आ रहा है, ठीक है। स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर क्या था कि आपने ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स टू कैपिटल अकाउंट, लास्ट एंट्री बताऊं ये वाली, ये आपकी राइट ऑफ की है ना, गुडविल राइट ऑफ की है। पहले आपने क्या करना है, सवाल में मेंशन हुआ है कि गुडविल को राइट ऑफ करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ द गुडविल फ्रॉम द बुक्स। तो हमें ये पता है कि पहले स्टेप पे जो एंट्री नंबर वन होनी है वो क्या होनी है, गुडविल को रेज करने की। गुडविल एसेट है आपका, तो हमने क्या करना है, हाँ बिल्कुल, हमेशा यही करेंगे, पहले हमने रेज किया और फिर हम बाद में इसको राइट ऑफ करेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन हुआ है। तो पहले हमने क्या किया, गुडविल को रेज किया, किस रेशियो पे? गुडविल को डेबिट करके क्रेडिट करना है हमें कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स तो आपके पास तीन तीन मौजूद हैं, तो 98,000 को फिर हमने डिवाइड करना है ओल्ड पीएसआर में, ठीक है, ओल्ड पीएसआर में हमने इनको तीनों को डिवाइड कर दिया। फिर हमें क्या करना है, सवाल के अंदर मेंशन्ड है कि आपने गुडविल को राइट ऑफ भी करना है, फिर रेज करके गुडविल को कर देना है राइट ऑफ, यानी कि गुडविल के टी अकाउंट में जीरो बैलेंस होना चाहिए। वही बात हो रही है, गुडविल रेज भी हो रहा है और उतनी अमाउंट से राइट ऑफ भी हो गया, यानी कि गुडविल के अकाउंट में जीरो बैलेंस है। पहले आ गई फिगर 98,000 की और फिर निकल भी गई, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि अब जो कैपिटल अकाउंट्स हमने डेबिट करने हैं इस एंट्री को, हमने अपेरेंटली जो रिवर्स करना है वो अब रिवर्स करना है डिफरेंट रेशियो से, न्यू पीएसआर से हमने उसको रिवर्स कर दिया। क्लियर है हमीदुल्ला? ठीक है, तो अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन का अकाउंट हमने बना लिया था, अब हम आते हैं ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स टू कैपिटल अकाउंट, और हमारे पास यहाँ पे जनरल रिजर्व्स है, बिल्कुल रिजर्व की भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी विद द ओल्ड रेशियो, सारा काम बिल्कुल वही होगा। तो सिर्फ न्यू पीएसआर की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे आ रही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ काम आ रहा है किसमें, राइट ऑफ्स के केस में। आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगी, हम सवाल करेंगे, सिर्फ गुडविल की राइट ऑफ नहीं होती, हो सकता है रिवैल्यूएशन गेन की या लॉस की भी वो बोले अब उसको राइट ऑफ करो, राइट? तो जहां पे भी आपको राइट ऑफ के बारे में बात आ जाए, राइट ऑफ करने को कहे, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज करेंगे, बाकी और कहीं नहीं इस्तेमाल होगा न्यू पीएसआर का। सिर्फ मैं एडजस्टमेंट की बात कर रही हूँ, चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की, प्रॉफिट वाला जो फिर है कि पूरा साल का फिर जो प्रॉफिट है वो तो नेचुरली सी बात है न्यू पीएसआर पे ही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स करेंगे। पहले तो हमने ये चेक करना है कि रिजर्व्स की ओवरऑल नेचर क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया रिजर्व्स में आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं, तो अगर वो लॉसेस हो, लॉसेस की नेचर क्या होती है, डेबिट नेचर, तो वो इस पोर्शन में माइनस के साइन में वो ऐसे आपको वो नजर आ रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे आपके पास जनरल रिजर्व की फिगर क्या नजर आ रही है, 73,500 पॉजिटिव, यानी कि क्या है, क्रेडिट बैलेंस है।
क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उस अकाउंट को, ये क्योंकि ये टी अकाउंट है तो जनरल रिजर्व के अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, कितने से, पूरी की पूरी अमाउंट से, 73,500। और क्रेडिट हम किसको करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स को, किस रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में, यानी के मिस्टर एल, मिस्टर एम भी और मिस्टर एन तीनों को जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5 में, ओल्ड पीएसआर में इसको आप डिवाइड कर दें। चले, हो गया ये हमारे पास, क्या हो गया, ये वाला स्टेप हो गया कंप्लीट। ये भी यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे भी हमारा ओल्ड पीएसआर इन्वॉल्व है, ठीक है, 29,400, 29,400 और 14,700, ये काम हो गया। फिर हम आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 में हमारे पास देखते हैं कि बाकी बाकी बची कुची जितनी भी हमारे हैं काम है, हमने वो करने, चेक कर लेते हैं जरूरत है या नहीं, इसमें क्या कह रहा है। चले हम देख लेते हैं, हमने गुडविल की अकाउंटिंग कर ली, हमने रिवैल्यूएशन कर लिया, हमने रिजर्व का ट्रांसफर कर दिया, हमने 7.7 भी कर लिया, रहता क्या है पॉइंट नंबर 6। अब जरा इधर आए, आप क्या करें, अब अपने आपने जो कैपिटल अकाउंट बनाया है ना उसके अंदर चीजों को डालना शुरू कर दें, जो आपने डबल एंट्रीज पास की हैं सो फार, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन गेन की हम डबल एंट्री पोस्ट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन गेन है 16,660, ठीक है, यही वाली फिगर इधर भी और 8,330, ठीक है। फिर हम आते हैं इधर, गुडविल हमने रेज किया 39,200, 39,200, 19,600 से हमने क्रेडिट कर देना ये, ठीक है, ये हमने कर दिया गुडविल, ये हमने जो रेज किया था वो वाली डबल एंट्री पोस्ट कर दी। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास दोबारा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, जहां पे हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, 65 L और N के अकाउंट्स हो रहे हैं सिर्फ डेबिट, तो हम इसको कर देते हैं L और क्या हो गया, चलेंगे एल और एन के अकाउंट्स हमने यहाँ पे हमने गुडविल को कर दिया राइट ऑफ। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। स्टेप नंबर 2 में हमने पहले किया क्रेडिट और फिर हमने कर दिया डेबिट। फिर स्टेप नंबर 3 रिवैल्यूएशन, वहां पे मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में आपने रिजर्व्स को ट्रांसफर करना था, तो स्टेप नंबर 4 में हमने क्या कर दिया, रिजर्व्स की फिगर को क्रेडिट साइड पे ले आए, ठीक है, जनरल रिजर्व्स, ये काम हो गया। स्टेप नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अब देखें क्या है, अब हो क्या रहा है, मिस्टर एम रिटायर कर रहे हैं, तो रिटायर करने का मतलब ये कि ही विल बी नो मोर अ पार्टनर। तो जब वो पार्टनर नहीं है तो उनका जितना भी पैसा बनता है इस बिजनेस के अंदर वो उनको अपने साथ लेकर जाना है, राइट। अब यहां पे आप एक चीज नोट कर लें कि रिटायरमेंट के अंदर जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर के पास, जो पार्टनर का जितना भी पैसा बनता है वो कैश की फॉर्म में उसको अपने पास से अपने घर ले जाए, ठीक है, ये जरा आप नोट कर लें। मैंने लिस्ट, छोटी सी लिस्ट है लेकिन टाइप करने में टाइम बड़ा लगता है, ये मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगी, ठीक है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये मैं शेयर करूंगी, लेकिन सबसे आखिर में यहाँ पे देख लें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के, देखें सारे वही स्टेप्स हैं जो कि एडमिशन वाले हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दैट देयर इज नो बैलेंस कैरिड डाउन इन रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बात अभी समझ में आ जाएगी। एंड द बैलेंसिंग फिगर इज ईदर, बैलेंसिंग फिगर से क्या मुराद, कि जितना भी पार्टनर का पैसा बनता है उस बिजनेस के अंदर, या तो वो उसको दे दिया जाएगा कैश में कि भाई आप जा रहे हो ना ये लो आपके इतने पैसे बनते हैं, आपका हिसाब इतना बनता है, ये आप अपने घर ले जाओ, ठीक है, यानी कि उसको फर्म क्या करेगी, कैश में पे ऑफ कर देगी, एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, पार्टनर का, उस रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। दूसरा क्या है, या तो वो क्या उसको कैश में दे देंगे या फिर उसको बोलेंगे कि भाई कोई नॉन करंट एसेट ले जाओ, कुछ भी हो सकता है ना, यानी कि वो पैसे उसको पैसे की फॉर्म में ना मिले, उसको किसी एसेट के फॉर्म में दे दें,
किसी दूसरे एसेट के फॉर्म में, या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि हम उसको वो चीज कैश में या नॉन करेंट एसेट की फॉर्म में देना, हम उसको क्या कहें, फर्म ये बोले और उसके साथ अग्रीमेंट ये हो कि फॉर एग्जाम्पल फर्म को अभी भी पैसों की जरूरत है, ठीक है मिस्टर एम तो जा रहे हैं, लेकिन फर्म ये चाहती है कि वो अपने कैश हमारे पास फिर भी पड़ा रहे, नॉन करंट एसेट हम कुछ भी ना दें, हम क्या करें, हम मिस्टर एम के साथ एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो अभी पार्टनर नहीं है, ही इज नो मोर अ पार्टनर, ही इज नो मोर एन ओनर, उसको क्या बना दें, हमारा लोन देने वाला, लोनर बना दें उसको, लेंडर बना दें, लोनर नया टर्म एक मैंने बना लिया, लेंडर बना दे, राइट। तो अब वो क्या होगा, यहाँ पे है रिटेन्ड एज अ लोन इन द न्यू फर्म, लेकिन अब बात ये आती है, बिल्कुल क्रेडिटर नहीं, लेंडर इज द बेटर वर्ड। अब बात ये आती है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि देखो एम के कितने पैसे बनते हैं, अगर मैं इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालूं, बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हैं जरा इसका, या ये कोई अभी कॉपी ना करे, ठीक है ये अभी आप कॉपी ना करें, अगर हम इसके बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हैं, अगर बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो होता और हमें बैलेंस कैरेट डाउन निकालने की जरूरत पड़ती, तो ये बैलेंस कैरेट डाउन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पार्टनर का कितना पैसा फर्म में पड़ा हुआ है, राइट। तो अगर हम ये देखते हैं तो मिस्टर एल और मिस्टर एन की तो कोई अभी सिचुएशन नहीं है, एम की बात करते हैं, मिस्टर एम का कितना पैसा पड़ा हुआ है, 2,81,260 रुपीज, जो कि उसको उसकी उसकी मिल्कियत है, उसकी इंटाइटलमेंट है। हम क्या कह रहे हैं, मिस्टर एम तो कर रहे हैं रिटायर, इसका मतलब ये है कि अब उनका नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज ही इज नो मोर अ पार्टनर, उनका एक पैसा भी कैपिटल अकाउंट में हमें नजर नहीं आना चाहिए, यानी कि ये बात यहां से हम सब अग्री करते हैं कि इसमें इनका बैलेंस कैरेट डाउन हो जाना है जीरो, हो जाना चाहिए, राइट, बिकॉज ही इज नो मोर अ पार्टनर, वो रिटायर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए 281,260 का कुछ तो करना पड़ेगा। सवाल में ये मेंशन हुआ है कि 281,260 जितना भी उस पार्टनर का पैसा बनता है उसको हमने ट्रीट कर देना है एज अ लोन, ठीक है, यानी कि ये भी क्या आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर है, डब्बा बनाया हुआ है, यानी कि ये भी बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है और ये भी बैलेंसिंग फिगर है। एल और एन तो हमारे पार्टनर्स हैं अभी भी, तो उनका तो हम बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे, लेकिन एम के लिए हमने बैलेंस कैरेट डाउन जीरो लिखना है, और एम की जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हमने लिख देना है कि ये अब क्या है, हमारा लोन है। डबल एंट्री इसकी क्या बनेगी, ये मैं स्टेप नंबर 5 में कर रही हूँ। क्या हो रहा है, ये पैसा देखें क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एम का कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट 281,260 से, ठीक है, तो ये डबल एंट्री है ना, ठीक है, यानी के कैपिटल अकाउंट हमने क्या एम का कर देना है डेबिट उसकी अमाउंट से, और यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ये पैसा उसको इन कैश या इन इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट नहीं पे किया जा रहा, बल्कि क्या ट्रीट किया जा रहा है एज अ लोन, ठीक है, तो हमने एग्जैक्टली हम क्या कर देंगे, हमने उसको लॉन्ग टर्म लोन में क्लासिफाई कर देना है। तो अब ये जो 281,260 की फिगर है ये आपकी आएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग करंट लायबिलिटी के अंडर, ठीक है, क्या हुआ है इस डबल एंट्री के थ्रू हमने क्या कर दिया, 2,00,000 का पैसा अभी भी पार्टनर का पैसा पड़ा हुआ है, एक्स पार्टनर का पैसा अभी भी फर्म में पड़ा हुआ है, लेकिन अब उसकी देखो क्लासिफिकेशन चेंज हो गई, पहले वो कैपिटल में आ रहा था और अब किस में चला गया, वो अब नॉन करंट लायबिलिटी में चला गया, क्यों, क्योंकि अब मिस्टर एम हमारे बन गए हैं थर्ड पार्टी, इज नो मोर अ पार्टनर, इज नो मोर एन ओनर, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मैंने सिर्फ समझाने के लिए डबल एंट्री लिखी है, वरना आपको पास नहीं करनी होती, मतलब लिखनी नहीं होती डबल एंट्री, और अगर विड्रॉ करता कैश में, चलो ठीक है, अरसलान आप खुद बताओ, आप खुद जवाब दो इस सवाल का, कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होना ही है ना, उसको आप उसके बैलेंस को आपने कैपिटल अकाउंट से तो निकाल देना है, तो कैपिटल अकाउंट तो इन एनी केस मिस्टर एम का होगा क्रेडिट, और अगर मैं आपको ये कहूं कि फर्म ने उसको पे ऑफ कर दिया कैश की सूरत में, क्या क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, वहां पर फिर लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। अगर वो कहे कि जी हमने मिस्टर एम को पे ऑफ कर दिया बाय गिविंग हिम अ कार, गाड़ी दे दी उसको, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट एम का, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, फिर ये क्रेडिट में वेरिएशंस हैं, यहाँ पे फिर आप मोटर व्हीकल क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब आपके पास हो गया, ये कंप्लीट, इज दैट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई क्वेरी? जी हमीदुल्ला, हसनैन, क्लेयर, नसीर, अरसलान, क्रिस्टल क्लियर हो गया, उसामा, जवाद, चलें जबरदस्त। तो अब इसका क्या करना है? अच्छा टाइम अप हो गया है, FAR 2 स्टार्ट हो गई है क्लास, नसीर क्लास स्टार्ट होगी आपकी, अरे चलें आप जा सकते हैं। आपने नसीर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अटेम्प्ट करना है, ठीक है? कर सकते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब बनाने में कोई मसला ही नहीं है, सारी चीजें आपके पास हैं, एसेट्स की आपके पास मार्केट वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू सबकी है, गुडविल को आपने रिकॉर्ड नहीं करना, रिजर्व्स आपके पास खत्म हो गए, कैपिटल अकाउंट के कैरेट डाउन आ गए, एक नई चीज आ गई लॉन्ग टर्म लोन। तो ये अब आपके पास क्या, आपका होमवर्क है। अच्छा नसीर, जाने से पहले एक जरा नोट कर लें, मैंने आप लोगों के अच्छा M9, हाँ ठीक है वो मैं आपको कर देती हूँ, अभी समझाती हूँ। मैंने आप लोगों के LMS की लिंक पे एक फाइल अपलोड की है, जो कि है पुराने जो ICAP का जो क्वेश्चन बैंक था इंट्रो का, जो कि अभी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, अब आपको पता है कि इंट्रो का, चले ठीक है मिल गया जबरदस्त, उसका आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है? वैसे तो आप अगर किसी को प्रैक्टिस है पार्टनरशिप्स की तो वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, लेकिन आप पहले, हमें यहाँ से 14.1 है, 14.1 आपने अटेम्प्ट करना है, ये ठीक है 14.1 आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा बाकी जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा, ठीक है ये रहा पार्टनरशिप क्वेश्चन, ICAP क्वेश्चन बैंक इंट्रो ओल्ड, इसका 14.1 नोट कर लें, एक ये होमवर्क हो गया, और M20 का आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, ठीक है? वैसे तो मैं आपको M21 भी दे सकती हूँ होमवर्क में, लेकिन फिर वो टू मच ना हो जाए, जो अटेम्प्ट करना चाहें वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, M21 अहमदन बिलाल, ठीक है? इसमें भी आपका रिटायरमेंट का सिचुएशन, अच्छा नसीब, बाकी सारे आई वोंट बी डिस्कसिंग एनीथिंग न्यू। तो ICAP का है 14.1, Lecture 9 इज अवेलेबल नाउ आई थिंक, अपलोड मुझे नजर होता हुआ नजर आ रहा है, ये ANB, ठीक है 14.1, ठीक है? अच्छा रेस्ट ऑफ यू कैन लीव, नसीर आप जरा मुझे अपने आंसर बता दो, कंपेयर कर लेते हैं उसको, मेरे पास ये, मैं आंसर इसके सॉल्यूशन सॉफ्ट में नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती। M9, M9, अच्छा आप बाकी सारे अगर कोई सवाल नहीं है तो यू मैन लीव। नसीम मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप अपना चेक कर लो। M9 के अंदर कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो आ रहे हैं, ए का है 71,000, बी का है 44,000, सी का है 22,000, डी का है 30,000, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 105,000, एसेट्स की साइड पर आते हैं तो ऑफिस बिल्डिंग है 10,000, प्लांट है 29,000, इन्वेस्टमेंट्स है 18,000, स्टॉक है 50,000, ट्रेड डेटर्स है 60,000, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस है 105,000। कहाँ डिफरेंस है आपका? जी कहाँ डिफरेंस आ रहा है कहीं पे? अच्छा मैं शो करती हूँ कैश अकाउंट में, तो कैश अकाउंट का जरा आप देख लो, कैश अकाउंट के अंदर हुआ क्या था, कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन है 40,000, फिर ए जो है वो कैपिटल लेकर आया है, अच्छा यू ऑलरेडी हैव दैट, चले वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ए जो कैपिटल लेकर आया है वो है 10,000, तो कैश अकाउंट को आपने डेबिट करना है फर्दर 10,000 से, फिर डी कैपिटल लेकर आया है 25,000, तो कैश अकाउंट दोबारा से डेबिट होगा 25,000 से, फिर आपके पास ड्रॉइंग्स हैं 90,000 की, ठीक है? टोटल आपने ड्रॉइंग्स इनको उन्होंने ट्रीट किया है, टोटल 90,000 उन्होंने कैश ड्रॉइंग्स ही ट्रीट किया हुआ है, और जो आपका 1,20,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम लेके चले गए हैं कैश, उसको हमने ट्रीट किया है कि ये इंटायरली कैश प्रॉफिट है 1,20,000 का, क्योंकि देखो उसका इफेक्ट आपने क्या किया, कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया और कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है?
और आपके पास इस तरह से बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है 105000। अच्छा, आपको कौन सा सवाल देखना है? M20 का ये वाला। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, ठीक है? आप फिर आराम से देख लें।